पिछले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश में क्राइम की कुछ ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, जिन्होंने आम आदमी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। पीलीभीत की छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद अब बरेली के फतेहगंज पूर्वी से एक ऐसा मामला सामने आया है, जो सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर इन लोगों की सोच को क्या हो गया है। बरेली के फतेहगंज पूर्वी में सोमवार रात बरगावा के पास गोलियां मारकर युवती की हत्या करने वाले रजनेश ने एसएसपी ऑफिस में सरेंडर कर दिया। और यह मामूली सरेंडर नहीं, मंगलवार दोपहर करीब 1:30 बजे वह एसएसपी ऑफिस पहुंचा और थैले में तमंचा लेकर आया, मेज पर रखकर सरेंडर कर दिया। कहा कि मैं हत्या का आरोपी हूं और सरेंडर करने आया हूं। घर छोड़कर विवाह करने से इनकार करने पर फतेहगंज पूर्वी के गांव में रहने वाले रजनेश ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर 20 वर्षीय युवती की हत्या कर दी। युवती के पेट और गले में गोलियां लगी। भाई के मुताबिक हत्या करने से पहले आरोपी ने युवती का बाल पकड़कर घसीटा और कपड़े फाड़ दिए थे। पुलिस के पहुंचने पर युवती के परिजन ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग करते हुए घंटों तक हंगामा किया। दरअसल फतेहगंज पूर्वी के एक गांव की युवती सोमवार शाम करीब 5:30 बजे मौसेरे भाई के साथ बाइक से गांव लौट रही थी। जब दोनों बरगावा से आगे पहुंचे, तभी गांव का ही रजनेश पीछे से बाइक लेकर आया। उसने युवती के भाई की बाइक में लात मार दी। युवती सड़क पर गिरी, उसका भाई बाइक समेत खेत में जा गिरा। रजनेश ने तमंचा निकाला और युवती पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, वी न्यूज़।